हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूट्यूब पर बिगनर है एंड उनको वीडियो एडिटिंग करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो बहुत सिंपल स्टेप्स होंगे, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको VN ऐप ओपन कर लेना है जिससे आप एडिटिंग करोगे एंड फिर आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी वीडियो शूट की है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने जो भी वीडियो अपना शूट किया है, मैंने उसको सेलेक्ट किया है। एंड फिर कुछ ऐसा व्यू आएगा, आपके प्रोजेक्ट सेलेक्ट होके ऐसा कुछ आपके फ़ोन पे व्यू आएगा। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो आप वीडियो शूट करते हो इस तरीके से करो कि आपको एडिटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आए ही ना। अगर आप कोई एंगल से शूट करते हो तो आप ऐसे एंगल से शूट करो कि जो वीडियो में ट्रांजिशंस आए वो अच्छी आए। अब आपको क्या करना है कि आपकी वीडियोस में जितने भी पार्ट्स आते हैं, अगर आप कुछ ड्रॉ करते हो, एक सिंगल लाइन भी ड्रॉ करते हो, तो उसको आप स्प्लिट कर लो, डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, उससे ट्रांजिशन बहुत अच्छी बनेगी वीडियो में। यू कैन सी जिसे मैं कर रही हूँ, आपको इसी तरीके से पार्ट्स को डिवाइड कर लेना है, स्प्लिट कर लेना है। ऐसे ही सेम आपको भी फॉलो करना है। तो मेरी वीडियो में जितने भी पार्ट्स थे मैंने उनको स्प्लिट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैंने जो पार्ट्स को स्प्लिट किया है उनको ट्रिम कर लूँगी। जितना मैंने ड्रॉ किया है, जितना मुझे चाहिए वीडियो में रहने के लिए, उतना मैं रखूँगी, बाकी सबको ट्रिम कर लूँगी। यू कैन क्लियरली सी मैं कैसे कर रही हूँ। जितना पार्ट मुझे चाहिए मैंने उतना ट्रिम कर लिया है, बाकी को मैंने रिमूव कर दिया है। आपको ऐसे ही करना है, जितना पार्ट आपको चाहिए आपकी वीडियो में उतना ट्रिम कर लो, बाकी को रिमूव, बाकी तो अपने आप रिमूव हो ही जाता है। जैसे मैं स्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ वैसे ही आप भी फॉलो करना। जो भी रिलेटेड आपकी वीडियो है उतना पार्ट रखना है जितना आपको चाहिए, और ऐसा करना जिसमें आप कंटिन्यू, मतलब आपका जो काम है वो कंटिन्यू हो रहा हो। वीडियो में स्मूथनेस आना इम्पॉर्टेंट है, तभी वो अच्छी लगती है देखने में। तो मेरे पास सारे ट्रिम हो गए हैं जो भी मैंने वीडियो में रखे थे। अब अगर आपको लग रहा है कि आपकी वीडियो जो है वो दूर से शूट हो रही है, यानी कि आपका जो वर्क है वो दूर लग रहा है वीडियो में, तो आप उसको जूम कर लो। आपको क्या करना है, क्लिक करना है, जो भी आपका कंटेंट है उस पर क्लिक करना और उसको जूम कर लेना। मैंने हर पार्ट आपको क्लियरली शो किया है कैसे मैं एडिट करती हूँ, कैसे मैंने ट्रिम किया है, कट किया है, पार्ट्स को स्प्लिट किया है, जूम कैसे किया है, इसको मूव कैसे किया है। सिंपल स्टेप्स हैं, बस इनको ही फॉलो करना और आपकी वीडियो भी बहुत अच्छी बन जाएगी। एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम और पेशेंस की ज़रूरत होती है, आपका 1 आवर मैक्सिमम, ठीक है, 1 आवर मैक्सिमम है।
इतना लग ही जाता है आपको अच्छी एडिटिंग करने में। अब अगर आपको कोई भी पार्ट ऐसा लग रहा है कि उसकी स्पीड स्लो है या फिर वो ट्रिम और होना है, तो उसको भी कर लेना आराम से देख के। जितना भी आपको ट्रिम करना है या फिर स्पीड किसी की तेज़ करनी है, फास्ट करनी है, तो उसको भी आप कर लेना। थोड़े बहुत इफ़ेक्ट लगा लेंगे। जो प्लस साइन है वीडियो के बीच में, आप देख सकते हो वीडियोस के बीच में जो प्लस साइन है, उस पर क्लिक करके ये कुछ इफ़ेक्ट आ जाते हैं, इनको लगा लेना। ब्लैक है, डिसॉल्व है, और जूम है, वाइट है, इन सबको आपको जो भी अपने हिसाब से सुटेबल लगता है वो लगा लेना, एंड योर वीडियो इज़ रेडी। मैं इस शॉर्ट्स को पोस्ट भी करूँगी, एंड आप देख सकते हो ये कैसी बनी है। हेयर इट गोस। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बताना। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।